इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है जिसमें आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे वाला बटन भी दबाइए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में, जिसमें अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 3,80,000 रुपये मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में एफडी करना क्यों ज़्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू किसी भी सरकारी बैंक में एफडी करने से या किसी भी प्राइवेट बैंक में एफडी करने से। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, मतलब सामान्य जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस आपको एफडी करने पर कितना इंटरेस्ट रेट देता है और पोस्ट ऑफिस में एफडी करने पर आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे टैक्स के, वो भी बताऊंगा। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं उस संकेत आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा और प्लीज़ हमारे इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या होती है। एफडी में आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है, बार बार पैसा जमा नहीं करना होता। जो भी पैसा आप जमा करते हैं उस पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है। और जब आपका जो एफडी का समय पूरा हो जाता है तब आपने जो पैसा जमा किया था वो आपको वापस मिल जाता है। अब इस पूरी चीज़ को मैं आपको एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए आपने पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में जमा किए, 5 साल के लिए जमा किए, और आपको मान लो हर साल 70,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हर 70,000 रुपये हर साल आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, 5 सालों तक आएगा। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको आपका जो 10 लाख रुपये आपने जमा किया था वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट इसकी मतलब एफडी में कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40, 50, 60, 70, मतलब किसी भी एज का व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकता है। यहाँ पे एज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपने बच्चों के नाम से भी ले सकते हैं, अपने नाम से भी ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एफडी में मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 100 रुपये और मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 1 करोड़ के अमाउंट से ज़्यादा की भी एफडी कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं और आपको सिर्फ एक ही बार जमा करना होता है, बार बार जमा नहीं करना होता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, 3 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। आप इन्हीं सालों के लिए एफडी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में एफडी करने पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 6.90% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 2 और 3 सालों के लिए भी आपको 6.90% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो ये 7.70% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में, हर हाफ ईयरली, मतलब रिवाइज होते हैं, हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है हल्का सा कम हो जाए या हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन ये बार बार रिवाइज होते हैं, सेम भी हो सकता है ये, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सेम ही रहता है, या अगर चेंज भी होता है तो बहुत हल्का सा चेंज होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि ये क्यों फ़ायदेमंद है पोस्ट ऑफिस में एफडी करना किसी भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक से क्यों ज़्यादा फायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, मिनिमम 6.90% का इंटरेस्ट रेट है और मैक्सिमम 7.70% का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप किसी भी सरकारी बैंक एफडी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 6% या 6.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर
और अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पे आपको मैक्सिमम 6.50 या मतलब मैक्सिमम 7% या 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का देख लिया, पोस्ट ऑफिस में आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है मिनिमम 6.90% और मैक्सिमम 7.70% का। और यहाँ पे आपको जो भी आपका हर साल का इंटरेस्ट होगा वो आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में भी फ़ायदा मिलता है। अगर आप 1.5 लाख रुपये तक की एफडी करते हैं तो आपको 80C में फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन ये फ़ायदा भी आप जब ही मिलेगा अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। 1 साल की एफडी पे, 2 साल की एफडी पे, 3 साल की एफडी पे आपको 80C में फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो आपको 80C का फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे आपको कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा, आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। अब मैंने दूसरी बात बता देता हूँ कि क्यों फ़ायदेमंद है। यहाँ पे टैक्सेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। आप देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस में आपको 80C में भी फ़ायदा मिलता है और आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाता। वहीं अगर आप किसी भी सहकारी बैंक मतलब सरकारी बैंक में FD करते हैं या प्राइवेट बैंक में FD करते हैं तो वहाँ पे आपको 80C का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वहाँ पे आप पे TDS भी काटा जाता है। अब बता देता हूँ यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स जब हम फाइल करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो वहाँ पे एक अंडर हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वहाँ पे आपकी ये इनकम में ऐड हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस दूंगा, सजेशन है कि आप FD उन लोगों के नाम से लें जो भी आपके परिवार में जिनकी इनकम बहुत कम है या ज़ीरो है। अगर आप उनके नाम से एफडी करेंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपकी इंटरेस्ट इनकम जो आपकी लिमिट है उससे कम ही रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम स्लैब अगर आपका है, अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो आप पे सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपकी वाइफ, बच्चे या पेरेंट्स वर्किंग नहीं हैं और उनकी इनकम कम है या ज़ीरो है तो आप उनके नाम से ले लीजिए। आपका जो भी साल का इनकम होगा, उनके जो साल का इनकम होगा, इंटरेस्ट इनकम जो आएगी वो आपकी 2.5 लाख से कम होगी तो आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख भी होती है टोटल इनकम तो 5% का ही टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए आप अपनी वाइफ के नाम से ले लीजिए या पेरेंट्स के नाम से ले लीजिए या बच्चों के नाम से ले लीजिए जिनकी इनकम कम है या ज़ीरो है, तो आपको इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं अलग अलग टेन्योर पे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, साथ ही साथ टोटल रिटर्न कितना मिलेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं 1 लाख रुपए की 1 साल के लिए तो इंटरेस्ट रेट है 6.9% का। आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा बैंक में वो मिल जाता है 7,080 रुपये और टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 1,07,080 रुपये, 7,000। हाँ, अब बात कर लेते हैं 2 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं, 1 लाख रुपए की ही एफडी करते हैं तो 6.9% के हिसाब से आपको हर साल 7,080 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल जो आपको रिटर्न मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,14,161 रुपये का। अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं और 1 लाख रुपए की ही एफडी करते हैं तो 6.9% के हिसाब से आपको हर साल 7,080 रुपये मिलेगा और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा अपनी एफडी करने पे वो हो जाता है लगभग 1,21,241 रुपीज़, मतलब 1,21,241 रुपये आपको मिलेगा टोटल। वहीं अगर आप 5 साल के लिए बैंक में पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो 7.7% के हिसाब से आपको हर साल मतलब 5 साल तक आपको 7,925 मतलब राउंड ऑफ कर लें 8,000 रुपये आपको हर साल आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,39,626 रुपीज़ का। अगर आप अपनी 5 साल की एफडी को अगले 5 साल के लिए और रिव्यू कर देते हैं मतलब रिन्यू कर लेते हैं और टोटल 10 साल के लिए करते हैं तो भी मैं बता देता हूँ। ये पहले 5 साल का तो मैं आपको बता चुका हूँ आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 1,39,626 रुपीज़ को का। अगर आप इसी अमाउंट को वापस रिन्यू कर देते हैं अगले 5 साल के लिए तो आपको अगले 5 साल जो
सालाना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 11,000 रुपये का, टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा लगभग 55,300 रुपये का, और जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,95,000 रुपये का। अगर आप इस 1,95,000 को वापस 5 साल के लिए और रिन्यू कर देते हैं, मतलब टोटल 15 साल की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जो आपका 10 साल से लेके 15 साल का जो टाइम है उस पर आपको जो सालाना इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 15,500 रुपये का, टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा लगभग 77,250 रुपीज़ का, और जो टोटल रिटर्न आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 2,72,200 रुपीज़ का। अब अगर आप इस अमाउंट को भी वापस और 5 साल के लिए रिन्यू कर देते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट टोटल 20 साल के लिए करते हैं, तो आपको जो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो हो जाता है 21,500 रुपये का, टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,08,000 रुपये का, और जो टोटल रिटर्न आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 3,80,000 रुपये का। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 7.7% का इंटरेस्ट रेट मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ चेंज नहीं होता, और मान लीजिए अगर चेंज भी होता है तो बहुत माइनर चेंज आएगा आपका इसमें रुपये, मान लीजिए 3,80,000 का आपको मिनिमम 3,75,000 मिल जाएगा या 3,85,000 मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए, मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।